तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एसी थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी हाँ दोस्तों, जो एसी थ्योरी अभी रिसेंटली में हम कंप्लीट कराए हैं, तो उसका जो है हम एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के आईटीआई या अदर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग जरूर ज्वाइन करिए और वीडियो से यूटिलाइज करिए, लाभ उठाइए। जो भी हमारे आईटीआई के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, तो उनके भी शेयर करिए और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर देखते करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एसी के किस मान का एम्पियर, वोल्ट मीटर तथा वाट मीटर मापते हैं। तो दोस्तों, एसी में हम जितने भी लगभग राशियाँ होती हैं, यानी जो भी मेजर वैल्यू होती है, वो लगभग हम आरएमएस मान में मेजर करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आरएमएस मान। क्वेश्चन दूसरा है, कौन सूत्र होता है? आर एल आरएमएस नहीं होगा। दूसरा आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो साइन वेव होता है उसमें आरएमएस बटे एवरेज का मान 1.11 होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। और एवरेज में कितना होता है? 1.57 होता है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, ओनली क्वेश्चन फॉर आंसर करेंगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी हम थ्योरी कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान थ्योरी नहीं देखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थ्योरी को हमारे चैनल में वीडियो सेक्शन में जाके जरूर वहाँ विजिट करके सभी चार पार्ट में है एसी का, सभी देख लीजिए आप। क्वेश्चन तीसरा हमारा, निम्न को सही से मिलान कीजिए, ठीक है। निम्न को सही से मिलान करना है, कैसे? एक तरफ फॉर्म फैक्टर दिया है, दूसरा तरफ मान दिया है। तो फॉर्म फैक्टर क्या है? पहला दिया है आरएमएस मान, दूसरा फॉर्म फैक्टर, औसत मान, ठीक है। तो देखिए, आरएमएस मान का मान क्या होता है, हम अभी बताए हैं, साइन वेव में 1.11 होता है, ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में देखिए, ऐसे चूज करते हैं ऑप्शन जैसे कि जो आपको पहले आ रहा है, ठीक है। जैसे पहला का आपको आ गया कि पहले का यानी ए का 1 होगा, तो ऑप्शन ए बी सी डी में आप देख लेंगे कि कहाँ पे ए दिया है, ठीक है। उसको काटना शुरू करेंगे। देखिए, ए का 3 दिया है, ए होगा नहीं। दूसरा में है ए का 3 है, ए भी नहीं होगा। तीसरा है ए का जो है 3 है, ए भी नहीं होगा। चौथा है ए का ए होगा। तो दोस्तों, इससे ही आपको इससे ही साफ जाहिर हो जाता है कि हमारा ए का जो है क्या हो जाए, ए का डी होगा, ठीक है। वैसे भी आप देख सकते हैं, देखिए आरएमएस मान जो होता है, आरएमएस मान क्या होता है? तो दोस्तों, आरएमएस मान जो होता है, आरएमएस तो वीएम बाई रूट टू होता है, ठीक है। वीएम बाई रूट टू होता है, तो वीएम बाई रूट टू किस में है, यानी 3 में है। सॉरी दोस्तों, डी नहीं होगा, तो सी में है। तो ए का कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी नहीं होगा, क्योंकि ए में 4 दिया है, 1 दिया है, तो बाकी 3 में ए दिया है। बी वाला देख लेते हैं, फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर हमें भी बताए हैं, इसका मान 1.11 होता है। तो यानी कि बी का आपका 1 हो जाएगा। तो बी का 1 किस में दिया है? तो इसमें नहीं दिया है, बाकी पहला में और तीसरा में दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर देख लेते हैं, पीक फैक्टर क्या होता है? तो जो पीक फैक्टर होता है आपका, पीक फैक्टर बराबर मैक्सिमम बटे आरएमएस होता है, ठीक है। तो जब इसको हम खोलते हैं तो रूट टू आ जाता है, यानी 1.414 आ जाता है ना। तो आपका पीक फैक्टर क्या हो जाएगा? सी में आपका ए डी हो जाएगा, यानी सी का 4 हो जाएगा। तो सी का 4 देखिए, सी में 2 दिया है, तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप छांट सकते हैं, यानी कि ए का आपका आरएमएस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और फॉर्म फैक्टर बी का 1 हो जाएगा, पीक फैक्टर
सी का 4 हो जाएगा, और औसत मान एवरेज का क्या होता है 2 Vm/π होता है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, चार्ट कर अगर थ्योरी पढ़े रहेंगे तो इजीली से इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान होता है, तो दोस्तों कैपेसिटिव फैक्टर में पावर फैक्टर का मान जो होता है लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है ना, लीडिंग पावर फैक्टर होता है। तो लीडिंग किस में है, पहला इकाई है, नहीं होगा, इकाई आपका रेजिस्टिव का होता है। दूसरा शून्य लैगिंग है, लैगिंग नहीं होगा, लैगिंग किसका होता है, इंडक्टर का होता है। तीसरा शून्य है, यह नहीं होगा। चौथा शून्य लीडिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। शून्य लीडिंग जो होता है आपका कैपेसिटिव परिपथ में पावर फैक्टर का मान होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पाँचवा है, निम्न में से कौन सा संबंध शक्ति गुणांक के लिए असत्य है। तो देखिए शक्ति गुणांक का क्या होता है, देखिए पहले तो एक्टिव पावर बटा अपरेंट पावर, ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं अवास्तविक पावर बटा के आभासी पावर, तो ये बिल्कुल होता है। दूसरा होता है तो एक्टिव पावर का जो बात करें मात्रक का, तो वाट बटे VA होता है या किलो वाट बटे KVA होता है, तो दूसरा भी सही है मान। तीसरा प्रतिरोध बटे इंपीडेंस, तो R बराबर क्या होता है, सॉरी cos phi बराबर R/Z होता है, यानी रेजिस्टेंस बटे इंपीडेंस, तो तीसरा भी ऑप्शन सही दिया है। चौथा है किलो वाट बटे KVAR। दोस्तों जो ऑप्शन डी है वह गलत दिया है, ऑप्शन डी में आपका पावर फैक्टर का ये नहीं दिखाता है, अर्थात ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि किलो आठ तो सही है लेकिन KVAR जो होता है रिएक्टिव पावर का होता है। ठीक है, जबकि जो एक्टिव पावर टू द अपरेंट पावर होता है। ठीक है, जैसा कि पहला में देखे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह नहीं होता है। और यही पूछा है कि निम्न में से कौन सा संबंध शक्ति गुणांक के लिए असत्य है, तो असत्य ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन छठवां हमारा, एसी सर्किट में अधिकतम धारा की शर्त होती है, तो दोस्तों एसी सर्किट में अधिकतम धारा की शर्त क्या होती है, पहला दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर इंपीडेंस, दूसरा है रेजिस्टिव बराबर कैपेसिटेंस, तीसरा है इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो दोस्तों अधिकतम धारा का जो शर्त होता है वह इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल बराबर एक्सी होता है, है ना, एक्सएल बराबर एक्सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। ठीक है, रिजोनेंस पे है ना, उसमें अधिकतम धारा की शर्त होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, किसी साइकिल में करंट या वोल्टेज के उच्चतम मान को कहते हैं, क्या कहते हैं, औसत मान, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, RMS मान, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं, या फिर उसे मैक्सिमम मान या पीक मान भी बोलते हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम मान को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन अगला है, पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, तो दोस्तों पावर फैक्टर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटर मोटर द्वारा, सेडेड पोल मोटर द्वारा, सिंक्रोनस मोटर द्वारा, रिपल्सन मोटर द्वारा, तो पावर फैक्टर को हम कैपेसिटर मोटर के द्वारा बढ़ा सकते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, निम्न चित्र में शुद्ध रजिस्टिव परिपथ कौन सा है, तो दोस्तों चार ऑप्शन दिया है आपको, रजिस्टिव जो होता है उसको बताना है। तो देखिए रजिस्ट्री में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। ठीक है, इनके बीच में जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो इसमें जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वोल्टेज है और करंट के बीच में जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वही बात करें जो इंडक्टिव होता है तो उसमें 90 डिग्री होता है, कैपेसिटिव में भी 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक निश्चित RLC परिपथ में VC बराबर 125 वोल्ट, VL बराबर 125 वोल्ट और V बराबर 40 वोल्ट है, तो स्रोत विभव का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्रोत विभव का मान क्या होगा, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्रोत विभव पूछा है, तो स्रोत विभव ऑलरेडी वोल्ट बराबर 40 वोल्ट दे दिया है,
ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि स्रोत विभव वही होता है जो मेन वोल्टेज दिया हुआ रहता है, ठीक है। जबकि वी एल बराबर वी सी बराबर 125 दे दिया है, वी एल बराबर 125 दे दिया है, और जो है वोल्टेज जो है 40 वोल्ट दिया है, तो स्रोत वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है रिएक्टिव पावर की इकाई होती है, तो रिएक्टिव पावर की इकाई के वी ए आर होता है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं बात करें एक्टिव पावर का, एक्टिव पावर का होता है किलो वाट, अपरेंट पावर का क्या होता है, तो अपरेंट पावर का होता है के वी ए यानी किलो वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है। ओम जो है रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, तो ये सबको याद रखेंगे। यहाँ के वी ए अपरेंट पावर हो जाएगा, यहाँ किलोवाट एक्टिव पावर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे के वी आर जो है रिएक्टिव पावर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है, तो फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा कैपेसिटेंस, चौथा एडमिटेंस। देखिए एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfL होता है, तो एक्सएल बराबर एफ यानी एक्सएल समानुपाती एफ होता है। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपद में यदि सप्लाई आवृत्ति 1/4 की कमी कर दी जाती है यानी जाए तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, 1/4 कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 4 गुनी अधिक हो जाएगी, 2 गुनी अधिक हो जाएगी। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जब 1/4 कर दिया जाए फ्रीक्वेंसी को तो 1/4 कम हो जाएगी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा 14 है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है, तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिबाधा जेड से सूचित करते हैं जिसे एम्पिडेंस कहते हैं, इसका जो विपरीत होता है वह व्युत्क्रम होता है एडमिटेंस होता है ना, एडमिटेंस को परिवेश्यता कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिवेश्यता हो जाएगा, ठीक है। परिवेश्यता को इंग्लिश में एडमिटेंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ससेप्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिकार्यता कहते हैं, ठीक है। और जो आपका कंडक्टेंस होता है उसे हम चालकता कहते हैं, तो ये सब बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो प्रतिबाधा होता है इम्पीडेंस होता है इसका रेसिप्रोकल आपका परवेश्यता अर्थात एडमिटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 15 नंबर, शक्ति कारक का अधिकतम मान होता है, तो दोस्तों शक्ति कारक जो शक्ति कारक है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर का जो अधिकतम मान होता है क्या होता है, इकाई होता है, यूनिटी होता है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, शुद्ध प्रेरक यानी इंडक्टिव परिपथ की औसत शक्ति कितनी होती है, तो इंडक्टिव सर्किट की जो औसत शक्ति होती है वह हमारी 0 होती है, 0 होती है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जानते हैं वी आई कॉस फाइव होता है, तो कॉस फाइव तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए पी बराबर 0 हो जाता है, इसलिए औसत शक्ति जो होती है वह 0 होती है, ठीक है, शुद्ध प्रेरण इंडक्टिव की। वहीं कैपेसिटिव की भी औसत शक्ति जो होती है 0 ही होती है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, एक एसी वोल्टेज वी टी बराबर दिया है 10 cos 400 πt के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, वोल्टेज की आवृत्ति और RMS का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों वी बराबर दिया है कितना, 10 cos 400 πt, तो हम जानते हैं वी बराबर Vm sin या cos ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा टी बराबर दे दिया है 400 πt दे दिया है, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2πf होता है, तो मान रख देते हैं 2πft बराबर 400πt, तो टी से कैंसिल हो जाएगा, πf से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात f बराबर क्या हो जाएगा, 400/2 यानी कट जाएगा 200 आ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर कितना आ गया हमारा, 200 आ गया। तो ऑप्शन कौन कौन है 200 का, 400 कट जाएगा,
ये 200 है, इसमें 200 है, ठीक है। तो आवृत्ति तो 200 आ गया, अब आरएमएस मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए आरएमएस बराबर वीएम बाई रूट टू होता है, या इसको जब बोलते हैं तो इसका मान 0.707 होता है। तो जब यहाँ पे वीएम का मान कितना है, 10 दिया है, ठीक है, तो 0.707 इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 0.707 इंटू वीएम होता है, तो वीएम का मान दे दिया 10, तो जब मान रखेंगे तो आरएमएस का मान 7.07 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 दिया है, गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 हर्ट्ज और 707 वोल्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे ज़रूर आप सॉल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला हमारा, आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर विद्युत धारा कैसी होती है। तो आरएलसी परिपथ में अनुनाद एट रेजोनेंस पे विद्युत धारा कैसी होती है, तो श्रेणी परिपथ में अधिकतम होती है और समांतर परिपथ में न्यूनतम होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। जो हमारे भाई थ्योरी किए हैं तो उसमें पढ़े होंगे कि जो आरएलसी एट रेजोनेंस पे, आरएलसी श्रेणी सर्किट में जो आपका जो करंट होता है वह मैक्सिमम होता है, वहीं बात करें इम्पीडेंस होता है वह मिनिमम होता है, ठीक है। वहीं पैरेलल में समांतर में क्या होता है, समांतर में जो करंट होता है वह मिनिमम होता है और इम्पीडेंस जो है मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम में अधिकतम होता है क्या, धारा, और समांतर क्रम में न्यूनतम होता है धारा, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, आरएलसी परिपथ में कौन से अवयव होते हैं, केवल प्रतिरोध, केवल प्रेरक, केवल संधारित्र, प्रतिरोध प्रेरक संधारित्र, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आरएलसी जैसा आर से रेजिस्टेंस, सी से कैपेसिटेंस, एल से इंडक्टर, तो तीनों होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर, ठीक है दोस्तों। तो अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति में क्या होता है, श्रेणी परिपथ संधारित और समांतर परिपथ प्रेरक होता है, श्रेणी परिपथ संधारित और समांतर परिपथ प्रेरक होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति पर श्रेणी परिपथ संधारित होता है और समांतर परिपथ प्रेरक हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, आर एल परिपथ में शक्ति घटक पीएफ यानी पावर फैक्टर .. होता है, तो आरएल है, तो आरएल है, तो आरएल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एल इसमें है तो वह किस नेचर का हो जाता है, इंडक्टिव नेचर का, तो इंडक्टिव में क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है लैग होता है, तो लैग यानी पीछे होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आरएल परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है वह लैगिंग होता है, तो लैगिंग को हम पीछे भी लिख सकते हैं, लीडिंग को आगे लिख सकते हैं। क्वेश्चन अगला है, ज्यावक्री प्रत्यावर्ती धारा का अवस्था कारक कितना होता है। तो दोस्तों अवस्था कारक जो होता है, अवस्था कारक को पूछा है फॉर्म फैक्टर, है ना, हिंदी में लिखा है इसे फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 1.11 होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, प्रतिघात शक्ति की इकाई क्या होती है। तो प्रतिघात, प्रतिघात पूछा है, प्रतिघात यानी आपका क्या पूछा है, रिएक्टिव पूछा है, रिएक्टिव पूछा है, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर का हम बताए हैं, जो वी आई साइन फाई होता है, इसका मात्रक की बात करें तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, वी ए आर है ना, तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला है, इनमें से किसका समयांक अधिकतम होता है। तो पहला दिया है आपका 10 हर्ट्ज, दूसरा 100 हर्ट्ज, तीसरा 10 किलो हर्ट्ज, चौथा है 10 किलो हर्ट्ज। तो दोस्तों इनमें से किसका समयांक अधिकतम होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 हर्ट्ज जो होगा इसका समयांक अधिक होता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है, ज्ञात तरंग का आरएमएस मान 100 एम्पियर दिया है, इसका उच्चतम मान होगा। तो आरएमएस मान हम जानते हैं आई आरएमएस बराबर वीएम बाई अंडर रूट टू, या तो आरएमएस मान कितना दे दिया है, 100 दे दिया है,
और आपका उच्चतम मान पूछ रहा है तो रूट टू बराबर वी एम हो जाएगा, या वी एम बराबर 100 × 7.07 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 70.7 हो जाएगा, 70.7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्पियर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 70.7 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, वी मैक्स बराबर हो जाएगा ना, सॉरी आई मैक्स बराबर हो जाएगा आई आर एम एस इंटू रूट टू। तो इसके सोल्व कर लेंगे, आई आर एम एस का मान ही दिया है 100 एम्पियर दिया है, तो इसलिए ऐसे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 70.7 एम्पियर। आगे है दोस्तों, किसी श्रेणी अनुनाद परिपद में आर दिया है, एल दिया है और सी दिया है, तो गुणता कारक होगा। तो देखिए, जो क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर जो होता है, क्वालिटी फैक्टर सीरीज में 1/r अंडर रूट एल बाई सी होता है। वही बात करें समांतर में तो क्यू बराबर आर अंडर रूट सी बाई एल होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो एल का मान कितना है, 1 mH है और सी का मान 0.1 μF है, आर का मान दिया है, तो मान रख देते हैं 1/r रूट एल बाई सी, तो बराबर 1/r 1/2 हो जाएगा, आर का मान दिया है, एल बाई सी एल का मान 1 mH, तो 1×10⁻³ कर सकते हैं मिली हेनरी, हेनरी बदलने के लिए। यहाँ पे 0.1 दिया है माइक्रोफेरड, तो माइक्रोफेरड हटाएंगे तो 6 हो जाएगा, माइक्रो हटाएंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 × ऊपर जाएगा तो 10³ हो जाएगा और आपका नीचे 0.1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बाहर 1/r का मान 2 है, ये है, तो यहाँ 10⁴ हो जाएगा, 10⁴ हो गया, नीचे 1 हो जाएगा, तो रूट से हटाएंगे 10⁴ को तो क्या हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, नीचे 2 है, यानी फाइनली आपका 100/2 आ जाएगा, काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ सकता है क्वालिटी फैक्टर से, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसे आप जरूर याद कर लेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है हमारा, एक श्रेणी आर एल सी परिपथ में आर 20 है, एक्स एल 63 है और एक्स सी 32 है, तो परिपथ का परिणामी प्रतिबाधा, देखिए प्रतिबाधा बराबर आर एल सी में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी, ये जिस जो इसमें बड़ा होता है इसको आगे लिख लेंगे, ए नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, का होल स्क्वायर होता है, तो मान रख देते हैं आर का मान दिया है 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, और एक्स एल माइनस एक्स सी, तो 63 में से हम 32 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और 3 यानी 31 हो जाएगा। तो दोस्तों 31 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो चलिए 31 का स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो दोस्तों इसका जब हम मान निकालेंगे 31 का, तो लगभग 961 आ जाएगा। ठीक है, तो 961 प्लस 400 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1361 आ जाएगा, रूट में 1361। ठीक है, काट लेते हैं, आगे देख लेते हैं, तो रूट में कितना आ जाएगा 1361 आ जाएगा, जब इसका वर्गमूल करेंगे तो लगभग आपका 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, फार्मूला में मान रख के और सोल्व कर लेंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक श्रेणी आर एल सी परिपथ 100 हर्ट्ज पर अनुनादी है, यदि धारिता को 4 गुना कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति होगी। ठीक है, तो धारिता को जब 4 गुना कर देंगे तो अनुनादी आवृत्ति कितनी होगी, तो देखिए अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, रिजोनेंस आवृत्ति एक्स सी बराबर 1/2πfc होता है। ठीक है, तो इसको जब हम 4 गुना कर देंगे दोस्तों, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, या 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। आगे है, शुद्ध साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, शुद्ध साइन तरंग का फॉर्म फैक्टर कितना होता है, 1.11 होता है। ठीक है, 1.414 जो होता है पीक फैक्टर का मान होता है, पीक वैल्यू का मान होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे है शक्ति घटक का आदर्श मान होता है, तो शक्ति घटक का आदर्श मान 1 होता है। ठीक है, अगर शक्ति बस घटक रहता किसी का तो 0 हो जाता, लेकिन शक्ति घटक का जो आदर्श मान होता है वह 1 होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है दोस्तों पार्श्व अनुनादी परिपथ यानी पैरेलल अनुनादी परिपथ का क्यू गुणांक क्यू फैक्टर किसके निर्धारित किया जाता है, तो हम जस्ट ऊपर बताए हैं कि जो पार्श्व रहेगा यानी पैरेलल यानी समांतर में जो होगा तो उसका आर अंडर रूट सी बाई एल हो जाएगा, या श्रेणी में जब होगा तो वही क्या होता है क्यू बराबर 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी होता है। तो यहाँ पे पार्श्व में पूछा है तो पार्श्व में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगर श्रेणी का पूछता तो ऑप्शन ए हो जाता, लेकिन यहाँ पे पार्श्व यानी समांतर में पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है एसी परिपथ का शक्ति गुणांक किससे दर्शाया जाता है, तो शक्ति गुणांक किससे दर्शाया जाता है, आर बटे जेड से दर्शाया जाता है, कॉस फाइव बराबर आर बटे जेड होता है। तो पहला होगा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, कॉस फाइव बराबर आर बटे जेड होता है। आगे दोस्तों समांतर प्रतिध्वनि इको साउंड की स्थिति में शक्ति गुणांक होता है 0 पश्चगामी, एकल 0.8 पश्चगामी, चौथा है 0.8 अग्रगामी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिटी होता है। प्रतिध्वनि की स्थिति में पावर फैक्टर यूनिटी होता है, एकक होता है, याद रखेंगे। आगे है शिखर मान आईएम वाली किसी ज्यावक्री तरंग की धारा का औसत मान एवरेज होता है, तो कितना होता है, देखिए एवरेज मान जो होता है यानी ज्यावक्री तरंग का एवरेज मान आई एवरेज बराबर 2 आईएम बाई पाई होता है ना। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 आईएम बाई पाई हो जाएगा, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वही आरएमएस का मान पूछता तो आईएम बाई रूट 2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे एवरेज है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला चित्र के अनुसार आरएलसी के आर पर वोल्टा क्रमशः 3 वोल्ट, 14 वोल्ट, 10 वोल्ट है, यदि वोल्टा का स्रोत ज्यावक्री हो तो आरएमएस होगा, तो मान रख देंगे आरएमएस क्या होगा, आरएलसी दिया है तो निवेश की वोल्टा होगा, आरएमएस का मान होगा। तो दोस्तों निकाल सकते हैं हम जेड बराबर, हम जानते हैं जेड बराबर क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। तो मान रख देंगे यहाँ पर दिया है रूट आर का मान दिया है कितना 3 वोल्ट दे दिया है, तो 9 हो जाएगा, 14 और 10 दिया है, तो एक्सएल 14 माइनस एक्सी। तो घटा लेंगे 14 में से 10 जाएगा कितना होगा 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं जे बराबर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दिया 10 वोल्ट, दूसरा 5 वोल्ट, तीसरा 2.5, चौथा 15, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 वोल्ट हो जाएगा। आगे है आरएल श्रेणी परिपथ में आर दिया है, एल दिया है, आवृत्ति दे दिया है, तो साहब परिपथ की प्रतिबाधा, तो जेड बराबर जानते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर 400 हो जाएगा और एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा यानी 0.065 का हो जाएगा स्क्वायर। तो दोस्तों इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका जेड का मान जो हो जाएगा आ जाएगा आपका 26.64 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगला है हमारा ज्यावक्री तरंग की अवधि होती है, तो ज्यावक्री तरंग की अवधि कितनी होती है, इस तरह एक साइकिल होता है ना, तो एक चक्र पूरा करने में लिया गया समय होता है, इसको हम साइकिल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक चक्र में पूरा किया गया लगा समय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है जब दो ज्यावक्री मात्राएँ फेज स्क्वायर्ड स्क्वायर वर्ड वर्ग होता है में बताई गई हो तो उनका फेज डिफरेंस कितना होता है, तो जब दो ज्यावक्री होती है तो उनके बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन अगला है दिष्ट धारा सप्लाई में आवृत्ति कितनी होती है,
तो दिस्ट आधार सप्लाई में आवृत्ति हम जानते हैं जीरो होती है। वही बात करता एसी में यानी अल्टरनेटिंग करंट में, तो अल्टरनेटिंग करंट में कितना होता है 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन दिस्ट धारा में जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो यहीं तक, क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। एसी थ्योरी का जितना भी थ्योरी कराए थे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेकर आए और आप लोग इसे देखें। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने जितने भी ITI के स्टूडेंट हैं उसमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर के साथ, अगला लेसन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।